हेलो ऑल, वेलकम टू आईपीएस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर नेम रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इट विल कम इन मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। द नेम रिएक्शन इज गिलबर्ट होमोलोगेशन। क्या है नेम रिएक्शन? गिलबर्ट होमोलोगेशन। क्या है सर? क्या है सर? गिलबर्ट होमोलोगेशन क्या है? गिलबर्ट होमोलोगेशन क्या है? गिलबर्ट गिलबर्ट होमोलोगेशन व्हाट इज गिलबर्ट होमोलोगेशन? गिलबर्ट होमोलोगेशन क्यों पढ़ेंगे हम लोग? व्हाई शुड वी स्टडी गिलबर्ट होमोलोगेशन? गिलबर्ट होमोलोगेशन में क्या होता है? होमोलोगेशन इसका मतलब क्या होता है? होमोलोगेट, होमोलोगेट का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑफ वन कार्बन टू द रिएक्टेंट। यू विल गेट वन इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट। क्या होमोलोगेशन क्या होता है? गिलबर्ट होमोलोगेशन क्या होता है? इफ यू टेक एल्डिहाइड, if you take aldehyde such as this one, then treat with a diazocarbene reagent. Kya hai diazocarbene reagent? Double bond N2. Double bond kya hai sir? डबल बॉन्ड इन टू। ट्रीट दिस वन विथ क्या है? ट्रीट दिस वन विथ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड इट इज अ बेस, देन यू विल गेट अ एल्काइन। यू विल गेट एल्काइन। तो क्या था तुम्हारा यहां पे? क्या था? एल्डिहाइड। यहां पे था एल्डिहाइड, था क्या बन गया? एल्काइन। यहां पे देखो कितना कार्बन था, यहां पे वन था। यहां पे कितना कार्बन हो गया? ये वाला तो हो गया वन, यहां पे और एक कार्बन आ गया टू। इसके वजह से इसको बोलते हैं होमोलोगेशन। ठीक है, यू विल गेट एल्डिहाइड, यू विल गेट एल्काइन फ्रॉम एल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड गिलबर्ट होमोलोगेशन। ये क्या होता है सर? ये होता है डायाजो कार्बिन। ये रिएजेंट को बोलते हैं डायाजो, ये रिएजेंट को बोलते हैं डायाजो कार्बिन। तो मैकेनिज्म क्या है सर? ये एल्डिहाइड से एल्काइन कैसे बन रहा है गिलबर्ट होमोलोगेशन में? हाउ यू विल डू कन्वर्शन फ्रॉम एल्डिहाइड टू एल्काइन? देयर इज अ नेम रिएक्शन ऑल्सो कोरे फुक्स, बट कोरे फुक्स रिएक्शन विल गिव यू वेरी लेस यील्ड। दैट इज व्हाई गिलबर्ट मॉडिफाइड दिस वन टू डायाजोकार्बिन, एडिशन ऑफ डायाजोकार्बिन टू एल्डिहाइड टू फॉर्म द एल्काइन। आप कोरेफुक्स यूज कर सकते हो, कोरेफुक्स में भी एल्डिहाइड से एल्काइन बन सकते हैं, लेकिन यील्ड बहुत कम आता है रिएक्शन का यील्ड। इसलिए गिलबर्ट होमोलोगेशन इतना इंपॉर्टेंट है टोटल सिंथेसिस लोगों के लिए। जो लोग टोटल सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो लोग गिलबर्ट होमोलोगेशन करते हैं एल्डिहाइड से एल्काइन बनाने के लिए। ठीक है, गिलबर्ट। सो मैकेनिज्म क्या है सर इसका? व्हाट इज द मैकेनिज्म? ये मैकेनिज्म क्या है? तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? डायाजो कार्बिन दिया हुआ है। यहां पे डबल बॉन्ड इन टू, यहां पे दिया हुआ है फॉस्फोरस ओईटी ओईटी। नाउ ट्रीट दिस वन विथ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इट विल टेक द प्रोटॉन, इट इज अ एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या है? एसिडिक प्रोटॉन। ये है एसिडिक प्रोटॉन। नाउ
यू हैव टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एनायन, इट विल टेक द प्रोटॉन फ्रॉम हियर, देन यू विल जनरेट द नेगेटिव चार्ज. देन सर क्या बन गया, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हो गया नेगेटिव चार्ज. अब तुम्हें दिया हुआ है एल्डिहाइड, क्या दिया हुआ है एल्डिहाइड. अब तुम्हें दिया हुआ है एल्डिहाइड, ये नेगेटिव चार्ज जाके एल्डिहाइड पे अटैक करता है और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है. तो फिर सर क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, यहां पे आ गया O माइनस. तो फिर O माइनस क्या करेगा, फास्फोरस को फिर से अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन जाके फास्फोरस से काट. तो फिर सर क्या बनेगा, इधर R डबल बॉन्ड N2 फास्फोरस O माइनस OET, यहां पे आ गया OET, यहां पे आ गया ऑक्सीजन, यहां पे आ गया फास्फोरस, ये स्पीसीज बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या होगा, विटिग जैसा होगा. विटिग रीअरेंजमेंट हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है, विटिग रीअरेंजमेंट जैसा होगा. कैसे होगा सर, ये जाके इधर आएगा, ये जाके इधर कट जाएगा. तो फिर क्या होने वाला है सर, क्या होने वाला है सर, माइनस ईओ ओ माइनस ओईटी ओईटी. ठीक है, ये बन गया है, ये बन गया है ओईटी ओईटी. और तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है डबल बॉन्ड सी. सॉरी, तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है, सी एच आर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन टू. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इसका स्ट्रक्चर ये होता है आर सी एच डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ये प्लस चार्ज, यहां पे आ गया माइनस चार्ज, ऐसा होता है. उसके बाद क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर दे देगा. तो फिर क्या बनेगा सर, तो फिर क्या बनेगा सर, अब ये आ गया माइनस चार्ज, ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा गलत है. यहां पे क्या होगा, यहां पे R है, तो फिर क्या होगा सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन माइनस, यहां पे आ गया प्लस. तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर दे देगा. तो फिर क्या बनने वाला है सर, आर सी एच डबल बॉन्ड सी माइनस एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे आ गया प्लस. यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा. तो फिर क्या बनेगा,
RCH डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया कार्बिन। ये कार्बिन जेनरेट होता है, कार्बिन रीअरेंजमेंट होके एल्काइन देता है। ये कार्बिन का लोन पेयर इधर आता है, ये पूरा हाइड्रोजन ग्रुप इधर आके माइग्रेट कर जाते हैं, तो फिर क्या बनेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये एल्काइन बन गया। ठीक है, तो फिर इस पीसीस से नाइट्रोजन रिलीज होके, माइनस नाइट्रोजन रिलीज होके कार्बिन जेनरेट होता है, कार्बिन जेनरेट होता है, उसके बाद एल्काइन फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, एल्काइन फॉर्म होता है, यू विल गेट अ एल्काइन फ्रॉम दिस कार्बिन। सो एल्काइन रीअरेंजमेंट होकर कार्बिन बनता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर गिलबर्ट होमोलॉगेशन। फास्ट क्या होता है, जो डायाजो स्पीसीज होता है वो प्रोटोन लॉस करते हैं, प्रोटोन लॉस के बाद ऐसा नेगेटिव चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज एल्डिहाइड को आके अटैक करता है, उसके बाद ऐसा स्पीसीज जनरेट होता है। नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस में अटैक करते हैं, उसके बाद पूरा फॉस्फोरस ऑक्सीजन स्पीसीज क्या है, लीव्स आउट फ्रॉम द स्पीसीज, देन यू विल गेट दिस वन, फ्रॉम देयर नाइट्रोजन विल लीव्ड आउट, लेफ्ट आउट, देन यू विल गेट कार्बिन, फ्रॉम कार्बिन टू यू विल गेट एल्काइन, दिस इज कॉल्ड गिलबर्ट होमोलॉगेशन। सो देयर इज अ मॉडिफिकेशन, तो गिलबर्ट होमोलॉगेशन के लिए एक मॉडिफिकेशन है जो ओहिरा बेस्टमैन ने किया है, देयर इज अ मॉडिफिकेशन। There is a modification so ओहिरा बेस्टमैन modification क्या है, ओहिरा बेस्टमैन modification ओहिरा बेस्टमैन ने बोला ऐसा रिएजेंट लेते हैं CH3CO P डबल बॉन्ड O OET OET डबल बॉन्ड N2। ठीक है, इसको अगर पोटेशियम कार्बोनेट और मिथानॉल देंगे तो फिर वो नेगेटिव चार्ज जेनरेट हो जाता है ऐसा। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज जेनरेट होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से एल्डिहाइड को अटैक करेगा, एल्डिहाइड के अटैक करने के बाद फिर से एल्काइन बन जाएगा। तो ओहिरा बेस्टमैन ने ये मॉडिफिकेशन किया है यील्ड को इंक्रीमेंट करने के लिए, यील्ड विल बी हायर इफ यू यूज ओहिरा बेस्टमैन। गिलबर्ट होमोलॉगेशन में तुम एल्डिहाइड से एल्काइन बना सकते हो लेकिन यील्ड थोड़ा कम होता है। अगर तुम ओहिरा बेस्टमैन रिएजेंट यूज करोगे एल्डिहाइड से एल्काइन बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यील्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, गिलबर्ट होमोलॉगेशन में क्या होता है, यू कैन मेक एल्डिहाइड टू एल्काइन बट द यील्ड विल बी लेस, बट इफ यू यूज ओहिरा बेस्टमैन रिएजेंट व्हिच इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ गिलबर्ट होमोलॉगेशन, उसमें यील्ड थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओहिरा बेस्टमैन मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं ओहिरा बेस्टमैन मॉडिफिकेशन। ओके, तो फिर गिलबर्ट होमोलॉगेशन में क्या होता है सर, एल्डिहाइड टू एल्काइन यू कैन मेक, ओहिरा बेस्टमैन में वही रिएक्शन होता है एल्डिहाइड टू एल्काइन, लेकिन मॉडिफिकेशन किया है ओहिरा बेस्टमैन ने यहां पे ये ग्रुप अटैच करके, एसिटाइल ग्रुप अटैच करके ये मॉडिफिकेशन किया है। एसिटाइल ग्रुप ये डायाजो कार्बिन में एसिटाइल ग्रुप अटैच, एसिटाइल ग्रुप में पोटेशियम कार्बोनेट मिथेनॉल देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा सर, ये नेगेटिव चार्ज जेनरेट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर से कहां क्या करेगा, एल्डिहाइड को अटैक करेगा और सेम मैकेनिज्म में हम लोगों को एल्काइन देगा। ठीक है, एल्डिहाइड टू एल्काइन। ओके, हैप्पी लर्निंग, फॉलो द नेम रिएक्शंस फ्रॉम IFAS, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बाय फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन में, फॉलो IFAS नेम रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।